ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। नीतीश सरकार के लिए आने वाले विधानसभा में तीन चुनौतियों की अगर बात की जा रही थी तो ये कहा जा रहा था कि तीन एस इस बार उन पर भारी पड़ेंगे। पहला एस सर्वे यानी कि लैंड सर्वे जो बिहार सरकार करवा रही थी, दूसरा एस स्मार्ट मीटर और तीसरा एस शराब बंदी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 90 दिन के अंदर ही बिहार में जमीन सर्वे को टाल दिया गया, इसे रोक दिया गया। नमस्कार प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार की बड़ी तैयारी थी। सरकार बार बार अपनी पीठ भी थपथपा रही थी कि जो 100 सालों में नहीं हुआ वो इस बार कर दिया जाएगा। अमीनों की बहाली तक हुई, विभाग को भरा गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई और अलग अलग जिलों में प्रखंडों में जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ। लेकिन ज्यों ज्यों जमीन सर्वे का काम आगे बढ़ता गया, मुश्किलें सामने आती गई। गांव में लोगों ने ये तक कहा कि इस जमीन सर्वे की वजह से भाइयों के बीच विवाद बढ़ गया है। लेकिन फिर एक बयान आता है, वो भी दिलीप जायसवाल जो कि इस विभाग के मंत्री हैं, बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस पर सोच विचार किया जाएगा। हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा बेटा बेटी बंगलोर दिल्ली बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, एक दो दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक। सरकार ने फिलहाल इसे टाल दिया है, यानी कि ये कब होगा कैसे होगा फिर इसे लेकर गहन चिंतन की जाएगी। लेकिन सियासी जानकारों की माने तो ये पार्टियों के विरोध के बाब की वजह से इस तरीके का फैसला सरकार ने लिया है। ये कहा जा रहा है कि तमाम पार्टियों ने जो एनडीए की सहयोगी हैं उन्होंने नीतीश कुमार को ये फीडबैक दिया कि जमीन सर्वे की वजह से आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है, सीटें कम हो सकती है। लोग ये कह सकते हैं कि जमीन सर्वे की वजह से जो उनके परिवार में खाई बढ़ी है उसकी वजह ये सरकार तो नहीं, इसी वजह से इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। लेकिन आप सोचिए जरा कि बिना तैयारी के जिस तरीके से जमीन सर्वे का काम बिहार में शुरू हुआ था और उसे अब रोकने की बात कही जा रही है, तो ये बताती है कहीं ना कहीं आधी अधूरी तैयारी से सिर्फ लोग परेशान हुए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और इस सर्वे के रोकने की पीछे की वजह आप क्या मानते हैं ये भी जरूर लिखिएगा। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।